आज माघ कृष्ण सप्तमी शनिवार 14 जनवरी 2023 है। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद, मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल माघ कृष्ण पक्ष अष्टमी रविवार 15 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति है। आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। आज की प्रस्तुति का प्रारंभ सनातन एवं प्रभु श्री जी में मकर संक्रांति की भावना का अवलोकन करने के साथ करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिमाह सूर्य का निरयन राशि परिवर्तन संक्रांति कहलाता है, अर्थात वर्ष भर में 12 राशियां मेष, वृषभ, मकर, कुंभ, धनु इत्यादि में सूर्य के 12 संक्रमण होते हैं और जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति होती है। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण प्रवेश करते हैं, यह प्रवेश अत्यंत शुभ माना गया है। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि भीष्म सरसैया पर लेटे हुए तब तक देह त्याग को रोके रहे जब तक उत्तरायण का आरंभ नहीं हुआ। जैसे कि हम जानते हैं मकर संक्रांति से तिल तिल दिन बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, मानवीय जीवन की दैनिक क्रियाएँ भी बदलने लगती हैं क्योंकि मौसम में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात शीत की थीजन से वसंत के आगमन का यह संधिकाल है। अब बात करें प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में मकर संक्रांति और पुष्टि मार्ग में मकर संक्रांति का क्या भाव है। पुष्टि मार्ग में भी दो मेष एवं मकर संक्रांति को मान्यता दी गई है। मकर संक्रांति 14-15 जनवरी को एवं मेष संक्रांति 14 अप्रैल को मनाई जाती है। श्रीनाथ जी में मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी 2023 को मनाई जा रही है। श्रीनाथ जी मंदिर द्वारा प्रकाशित व्रतोत्सव की टिप्पणी के अनुसार इस बार संक्रांति माघ कृष्ण पक्ष सप्तमी को रात्रि के 8:46 से प्रारंभ हो रही है। इसका पुण्यकाल सूर्योदय से लगाकर दोपहर 3:23 तक है। प्रभु श्री जी को तिलवा इस बार गोपीवल्लभ अथवा राजभोग में अरोगाए जाने का प्रावधान है। प्रभु श्रीनाथ जी में इसका सेवा क्रम कुछ इस प्रकार रहता है। पर्व रूपी उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से लिपा जाता है। आशा पाल की सूत की डोरी की वंदन माल बांधी जाती है। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। रजाई व गद्दल छींट की आती है। दिन में 2 समय की आरती थाली वाली की जाती है। मंगला दर्शन पश्चात प्रभु को चंदन आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। प्रभु के श्रृंगार के हल्के से दर्शन करते हैं। विस्तृत दर्शन हम कल की प्रस्तुति में करेंगे। जैसे कि पिछुआई केरी भात के बड़े बूटा वाली धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है एवं प्रभु के स्वरूप के समक्ष लाल रंग की तह बिछाई जाती है। वस्त्रों में प्रभु को आज श्री जी को लाल रंग की छींट का रुई भरा सूथन चोली घेरदार वागा एवं मोजाजी धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र श्वेत लट्ठे के धराए जाते हैं। श्रृंगार में प्रभु को आज छोटा श्रृंगार धराया जाता है, 4 माला का हल्का श्रृंगार, हीरा मोती तथा सोमने के आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल रंग की छींट की छजेदार पाक के ऊपर सिर पेच लूम मोरपंख की सादी चंद्रिका एवं बाई और शीश फूल धराए जाते हैं। श्रीकर्ण में कर्ण फूल धराए जाते हैं। श्रीकंठ में त्रवल नहीं आवे व कंठी धराई जाती है। सफ़ेद एवं पूले पुष्पों की 2 मालाजी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में
स्वर्ण के वेणु जी एवं एक वेत्र जी विठलेश राय जी वाले धराए जाते हैं। पटलाल एवं गोटी श्याम मीना की आएगी, आरसी श्रृंगार में सोने की दिखाई जाती है। विशेष में आज प्रभु के समक्ष नई गेंदे धरी जाती हैं। सभी समय में गेंद खेलने व पतंग के पद गाए जाते हैं। श्री जी को गोपी वल्लक में कठपुआ अरोगाए जाते हैं। राजभोग में अनसखड़ी में नियम से दाग का रायता व सखड़ी में केसरी पेठा मीठी से विशेष रूप से सिद्ध सात्य धान्य का खीच व मूंग की द्वादशी अरोगाई जाती है। इसके साथ प्रभु को आज गेहूं का मीठा खीच भी अरोगाया जाता है। मकर संक्रांति में तिल का बहुत अधिक महत्व है। यह महत्व श्री जी की सेवा प्रणालिका में भी स्वीकारा गया है। श्री जी को तिलवा के भोग उत्सव भोग के रूप में ग्वाल गोपी वल्लभ में अथवा राजभोग में धरे जाएंगे। इसके बाद ही दान पुण्य किए जाएंगे। उत्सव भोग में श्री जी को तिलवा के गोद के बड़े लड्डू श्री नवनीत प्रिया जी श्री विठलनाथ जी एवं श्री द्वारकाधीश प्रभु के घर से आए तिलवा के लड्डू दूध घर में सिद्ध की गई केसर बासुंदी की हांडी विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार के बटेरा एवं तले हुए बीज चालनी के नमकीन सूखे मेवे का भोग धराया जाता है। आज शयन भोग में प्रभु को शाक घर में सिद्ध सूखे मेवे का अद्भुत खीच भी अरोगाया जाता है जो कि वर्ष भर में केवल आज के दिन ही अरोगाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं मकर संक्रांति गुजरात में उत्तरायण के रूप में तथा दक्षिण में पोंगल के रूप में मनाई जाती है। इस दिन खेलने का बहुत अधिक महत्व है। मकर संक्रांति पर जहां गुजरात में पतंगों का महत्व अधिक रहता है तो राजस्थान एवं हिंदी भाषी क्षेत्रों में गेंद गिल्ली डंडा आदि का महत्व रहता है। आजकल पतंग भी उड़ाई जाती हैं लेकिन श्री जी की सेवा प्रणालिका में यह दोनों ही बहुत पहले से समाविष्ट हैं और इन दोनों से पहले श्री जी में प्रेम का भाव समाहित है। देखिए, मकर संक्रांति के दिन श्रृंगार के दर्शन में तरनी तनया तीर आवत है, प्रात समय की गेंद खेलत देख्योरी आनंद को कंदवा, जैसे कीर्तन प्रभु के समक्ष गान किए जाते हैं। तो आरती में तुम मेरी मोतिन लर क्यों तोड़ी में एक अनोखा प्रेम भाव दिखाई देता है। शयन में ग्वालिन ते मेरी गेंद चुराई, यह अद्भुत कीर्तन तो पुष्टि मार्ग में कोई ऐसा वैष्णव है जो नहीं जानता होगा। संध्या आरती में ही पतंग के पद भी गाए जाते हैं। कान अटा चढ़ी चंग उड़ावत जैसे अनेक पद हैं पुष्टि के साहित्य में। इस दिन दान पुण्य का भी बहुत अधिक महत्व है। श्रीजी मंदिर सहित समग्र नगर एवं देश भर में इस दिन दान पुण्य बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। यह केवल मान्यता ही नहीं वैज्ञानिक तथ्यों से सिद्ध है कि ऐसे अवसरों पर जो हमारे यहाँ मान्यताएं हैं वे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे दान पुण्य, दान पुण्य न केवल हमारी मनोवृत्ति को बदल देते हैं, अक्षुण्ण पुण्य इससे मिलता है। हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है कि इससे समृद्धि के द्वार खुलते हैं। ऐसे ही एक विशेष प्रेरक प्रसंग का हम कल प्रस्तुतिकरण करेंगे जिसे करते हुए एक वर्ष हो गया है और दिव्य शंखनाद उसमें एक माध्यम रहा है। इसके अलावा भी प्रभु श्री जी में कुछ और परंपराएं भी निभाई जाती हैं और मकर संक्रांति के एक विशेष संदेश को हमेशा याद रखें। मकर संक्रांति के पर्व में तिल के लड्डू का बहुत महत्व है। तिल जितने नज़दीक रहते हैं उतने अपनों के नज़दीक रहिए, जितनी उसमें मिठास है उतना प्रेम रखिए, तो अवश्य ही घर ही नहीं परिवार समाज एवं देश में सुख समृद्धि एवं शांति अवश्य रहेगी। यही हमारी सनातन संस्कृति का दर्शन है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार शीतकाल के तहत तत्सुक की भावना से प्रभु श्री जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं।
कोई नियत श्रृंगार न होने से प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा एवं तिलकाय श्री की आज्ञा से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए प्रभु दर्शन करें। विनम्र भाव से प्रभु श्री जी के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आज मेघश्याम रंग की जरी के मोजा जी धराए गए हैं, जिन पर मेघश्याम हाशिया एवं फोंदना सुशोभित हैं। मोजा जी पर आभरण से मिलवा नूपुर एवं पेंजनिया धराए हुए हैं। और प्रभु के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा एवं नकवेसर धराए हुए हैं। इनके साथ अपनी मंद मुस्कान से सभी को सम्मोहित करते हुए और अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु श्री जी ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया हुआ है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज मेघश्याम रंग की ही शीतकाल की पिछवाई सजाई हुई है। पिछवाई की विशेषता यह है कि इस पर सुनहरी जरी की किनारी का हाशिया बना हुआ है। पिछवाई के अलावा अन्य साज के रूप में गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है, जिन पर सफेद बिछावट की हुई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के समक्ष दो स्वर्ण जड़ित पड़घाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। शीतकाल होने के कारण प्रभु के समक्ष अंगीठी पधराई हुई है तो धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई हुई है। चर्वित तांबूल की सेवा के तहत प्रभु के समक्ष चांदी की त्रष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज अंगीकार करवाए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो प्रभु को सभी वस्त्र आज मेघश्याम रंग की साटन के धराए गए हैं। यह सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। इनके प्रकार में प्रभु को सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। प्रभु की पीठिका जी पर आज ठाड़े वस्त्र गुलाबी रंग के धराए गए हैं। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो श्री जी को आज छोटा अर्थात घुटनों तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है। इन श्रृंगारों में प्रभु को आज कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण गुलाबी मीणा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज मेघश्याम रंग की ही छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है, जिस पर जमाव का कतरा धराया है। इनके साथ बाई ओर शीश फूल तो धराए हुए ही हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आज आभरण से मिलवा एक जोड़ी कर्णफूल धराए हुए हैं। फूलघर की सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली दो सुंदर माला जी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु को गुलाबी मीणा के वेणु जी धराए हुए हैं, तो साथ में कटी पर प्रभु को ऐसे ही वैत्र जी भी धराए हुए हैं। खेल के साज के तहत प्रभु को आज पट मेघश्याम रंग का और गोटी
चांदी की बाघ बकरी वाली पधराई हुई है। इन सभी साज श्रृंगार आभरणों के रूप में अपने निज भक्तों को धारण किए हुए प्रभु श्री जी बहुत सुंदर दिख रहे हैं, जिसके दर्शन प्रभु को नित्यवत चांदी की आरसी से कराए गए हैं। आइए अब उन कुछ कीर्तनों का अवलोकन करते हैं जिनके भाव से प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है। इसके तहत मंगला में जानन लागेरी लालन, राजभोग में सूधे किन बोले कहाँ इतराने, आरती में हो कह मिस जाऊं री खिरक, शयन में काजल बिन कारी तेरी अखियां, मान के पद में तेरी भ्रोहन की मरोरन ते, पोड़वे के पद में रंग महल सुखदाई कीर्तनों का गायन किया जाता है। श्रीजी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन भोग में विविध प्रकार की सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। शीतकाल की सेवा के तहत प्रभु को विशिष्ट सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं, जिनमें उल्लेखनीय रूप से सौभाग्य सोंठ की सामग्री शामिल है। इनके साथ पानघर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को नित्यवत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। तिलकायत श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। जाको मनाए लाग्यो गोपाल सोन, जाको मनाए लाग्यो गोपाल सोन, साहियो रे कैसे भावे हो, जाको आय रहते हैं, जो
तट प्रवाह आवे हो। Right.
इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।